बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान आर्मी में जो पीएमए में न्यू जॉब्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कितने मतलब लास्ट डेट कब है और किस तरह से अप्लाई करना है सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। बेसिकली इस यूट्यूब चैनल पर मैं डेली बेस पर जॉब्स की तमाम इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहा हूँ, जिनमें तमाम किस्म की मालूमात यहाँ पर मौजूद हैं। आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तमाम लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। उन पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान आर्मी में पीएमए में लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली आप कैप्टन में मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए और या इसके मतलब बराबर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जो इसकी लास्ट डेट है वो 1 नवंबर 2021 है, ठीक है। और उसके बाद जो है 1050 से भी ज़्यादा सीट्स यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी पीएमए में, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है कि मतलब इंटरमीडिएट अगर है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए और तमाम चीज़ यहाँ पर मैंशन की गई हैं, ठीक है। एफ एस सी एफ ए के अंदर जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 60% मार्क्स आपके बीए बीएससी में होने चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर होप सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinpakistanarmy.gov.pk, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि कैप्टन के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है। एक रिटन और इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है वो फाइनल आपका जो मेडिकल टेस्ट एक लिया जाएगा फिर, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी मेंशन की गई है, ठीक है। और 4 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।